सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं पर सरकार की तरफ से जनता तक सही बात पहुंचाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए या भ्रमित लोगों को ठीक ठीक इसके बिंदुओं तक पहुंचाने के लिए सरकार अपने तौर पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। आज बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर सीए को लेकर के जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। तो दरअसल जिस तौर पर दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर अभी जारी है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये रैली, जिसके माध्यम से बीजेपी जनता तक इस कानून के सही मायने और इसको एनआरसी से ना जोड़ा जाए उसको किस तौर पर समझाने के जो अपना पूरा एक कार्यक्रम बीजेपी ने बनाया है, और ऐसे में अलग अलग शहरों में पहुंच करके, अलग अलग जगहों में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता तक सही बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इसी नजरिए से बनारस के ये रैली रखी गई है, जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेता पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी आप इसी रैली से हमारे साथ फुललाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव। राजू, आप जाहिर तौर पर देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी है, तो उसके सीए के समर्थन में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। कौन कौन पहुंचे इस रैली के अंदर और क्या कुछ कहा जा रहा है, किस अंदाज में समझाने की कोशिश है? देखिए, जैसा बीजेपी ने आह्वान किया था जागरूकता रैली के लिए, इस जागरूकता रैली की अगर बात करें तो पूरा जो प्रांगण था वो पूरी तरीके से भरा था। अगर ऐसे में लीडर की बात करें तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जहाँ थी, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ महेंद्रनाथ पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य बीजेपी की तरफ से जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सीए को लेकर पूरी तरीके से जिस तरह विपक्षी दल माहौल बनाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है, अब बीजेपी उसी माहौल को बनाने में लगी है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में जहां बीजेपी लगी है, वहीं कार्यकर्ता और आम इंसान जो इस जनसभा में आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए उन्हें सीए के बारे में जानकारी दी और बताया कि आम इंसान वो जिनको भरमा कर विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल लगातार देश का माहौल बिगाड़ने में लगी है, उसको अब बीजेपी उनको जागरूक करते नजर आएगी। राजू, बनारस के लोगों की अगर बात करें तो बनारस के लोगों की नजर में इस कानून को किस तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, जो प्रांगण था लगभग 50,000 लोगों की भीड़ वाला ये प्रांगण था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। यही वजह थी कि लोग सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे सीए को क्या था। ये मुख्यमंत्री ने खुद मंच से संबोधित करते हुए बताया कि अब जन जन तक बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर आ चुके हैं, अब लोगों के घर पहुंचेंगे और जागरूक करते नजर आएंगे। और जिस तरह भीड़ थी वो भीड़ अनुमान लगाया जा सकता है कि वो भीड़ कहीं ना कहीं सीए के पक्ष में थी। यही वजह थी कि पूरी प्रांगण जो थी वो पूरी खचाखच भरी नजर आ रही थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।